हरित संजीवनी। अनादिकाल से मनुष्य खेती करते आ रहे हैं। खेती मनुष्य का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। विश्व में बढ़ती आबादी को देखते कृषि वैज्ञानिकों के समझ में आया कि बढ़ती हुई आबादी के लिए ज्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इसके लिए वैज्ञानिकों के पास एक ही विकल्प था, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। कृषि वैज्ञानिकों ने खोज करके ऐसे बीजों का निर्माण किया, उन बीजों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। उन बीजों को हाइब्रिड बीजों के नाम से उपलब्ध किया गया। देसी बीजों की अपेक्षा हाइब्रिड बीजों को भोजन की आवश्यकता ज्यादा थी। जमीन में उपलब्ध खादों से उन बीजों की भोजन की पूर्ति नहीं हो रही थी। उन बीजों को भोजन पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिकों को रासायनिक खादों का निर्माण करना पड़ा। जब रासायनिक खादों को किसान खेतों में फसलों को देने लगे तो उसके दुष्परिणाम जमीनों के साथ साथ फसलों पर होने लगे। जैसे फसलों पर कीड़े मकौड़े, तरह तरह की बीमारियां आने लगी। उनसे बचने के लिए वैज्ञानिकों को कीटनाशकों का निर्माण करना पड़ा। किसान सालों से रासायनिक खादों का जमीन में उपयोग करने से जमीनों का ज्यादातर हिस्सा सख्त हो रहा है। जमीनों में फायदेमंद जीवाणुओं की पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है। परिणाम स्वरूप जमीनों की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। अनगिनत रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से जमीन और फसल की सिस्टम ही बिगड़ रही है। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। परिणाम स्वरूप किसानों की खेती में हर साल लागत बढ़ रही है और उत्पादन में कमी आ रही है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए कंपनी के वैज्ञानिकों ने हरित संजीवनी जैसे अनूठे उपचार पद्धति का निर्माण किया। हरित संजीवनी की उपचार पद्धति फसलों की अलग अलग अवस्था में, जैसे चर्म अवस्था, बचपन अवस्था, यौवन अवस्था, परिपक्व अवस्था में कार्य करती है। इस कारण फसलों में आश्चर्यजनक वृद्धि दिखाई देती है। जैसे हरित संजीवनी प्रक्रिया एक जमीन को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक 250 ग्राम एक एकड़ खेती के लिए इस्तेमाल करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक ये उच्चतम तकनीक से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया गया है। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक इस्तेमाल करने का तरीका, इसे किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं। या 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी दे सकते हैं। एक साल तक की आयु वाली फसलों में फसल लगाते समय या फसल लगाने के 30 दिनों तक हरित संजीवनी प्रक्रिया एक को जमीन में दे सकते हैं। इसे जमीन में देने के बाद पानी देना आवश्यक है। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक के जमीन में होने वाले फायदे। जमीन में रासायनिक खादों के द्वारा सालों से जमा अघुलनशील तत्वों को घुलने में मदद मिलती है। इस कारण जमीन नरम और भुरभुरी होने लगती है। जमीन में जलधारण क्षमता बढ़ती है। इसके फलस्वरूप पौधों में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने लगती है, जिनके द्वारा पौधों को जमीन से भोजन मिलता है। जमीन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जीवाणु। किसानों के द्वारा अनगिनत रासायनिक खादों के इस्तेमाल से दिन ब दिन जीवाणुओं की पैदावार कम हो रही है, जो कि जमीन की उपजन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक के निरंतर इस्तेमाल से जमीन में जीवाणुओं की पैदावार बढ़ने में मदद होती है। इस कारण जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि सौंदर्य कर्व बढ़ने लगता है। जमीन में पीएच यानी कि सामू के प्रमाण को नियंत्रित करने में मदद होती है। इस कारण जमीन से न मिलने वाला भोजन पौधों को मिलने में सहायता होती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक के इस्तेमाल से जमीन में नाइट्रोजन को स्थिर करने में भी मदद होती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक की उपचार पद्धति सभी प्रकार की फसलों में एक समान है। जो फसल वृक्ष सालों साल निरंतर फल देते हैं, उनके लिए उनकी उम्र के अनुसार उपचार दिया जाता है, जो इस चार्ट में दिया गया है। हरित संजीवनी प्रक्रिया दो पौधों के बचपन अवस्था की उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया दो 100 ग्राम पाउडर है, जिसे 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर इस अनुपात में उपयोग करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया दो के 100 ग्राम पाउडर से 100 लीटर घोल बनेगा। इस घोल को पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। इसके इस्तेमाल से
पौधों को संतुलित वृद्धि होने में मदद मिलती है। पत्तों का आकार बढ़कर उनमें हरित द्रव्य का प्रमाण बढ़ने में सहायता होती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होकर पौधों में ज्यादा से ज्यादा अन्न तत्वों का निर्माण होने लगता है। पौधों में जड़ों का विकास तेजी से होने लगता है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 पौधों के यौवन अवस्था की उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 150 ग्राम पाउडर है, जिसे 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर इस अनुपात में उपयोग करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 के 150 ग्राम पाउडर से 150 लीटर घोल बनेगा। इस घोल को पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। इसके इस्तेमाल से पौधों की शाखाएं बढ़ने लगती है। पौधों में ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण होने लगता है। पौधों के यौवन अवस्था में होने वाले हार्मोनिकल बदलाव के कारण पौधों में जो अन्न तत्वों की कमी आ जाती है, उन अन्न तत्वों को पौधों को देने में सहायता मिलती है। परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि सशक्त होती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 के इस्तेमाल से पौधों में कार्बन और नाइट्रोजन रेशो को संतुलित रखने में मदद मिलती है। इससे प्रतिकूल परिस्थिति में भी पौधों में फूल और पत्तों को थामे रखने की क्षमता बढ़ती है। पौधों की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 पौधों की परिपक्व अवस्था की उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 250 ग्राम पाउडर है, जिसे 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर इस अनुपात में उपयोग करना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 के 250 ग्राम पाउडर से 250 लीटर घोल बनेगा। इस घोल को पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। इसके इस्तेमाल से पौधों को संतुलित भोजन देने में सहायता होती है। जैसे जब फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, तब पौधों को ज्यादा से ज्यादा भोजन फलों में लगता है। पौधा इस दौरान पत्तों के तरफ जाने वाले भोजन को कम करके फलों में ज्यादा से ज्यादा भोजन देता है। इस कारण पत्ते सूख कर पौधा अशक्त होने लगता है। इस अवस्था में ही पौधों के ऊपर ज्यादातर अलग अलग बीमारियों का प्रकोप होने लगता है। परिणाम स्वरूप किसानों को ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। फलों को भी संतुलित भोजन ना मिलने से पौधों के नीचे लगने वाले फल बड़े और ऊपर लगने वाले फल छोटे होते हैं। हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 के छिड़काव से पत्तों और फलों को संतुलित भोजन मिलने से पत्ते हरे भरे होते हैं और फलों का नीचे से ऊपर तक एक जैसे साइज होने में मदद मिलकर फलों की चमक और स्वाद भी अच्छा होता है। ज्यादातर फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। फल जल्दी या ज्यादा दिनों तक निकलते हैं। पौधों की सशक्त वृद्धि होने से फूल और फलों की गिरावट को रोकने में सहायता होती है। फलस्वरूप किसानों को आश्चर्यजनक उत्पादन में वृद्धि मिलती है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय विशेष ध्यान रखें। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 सभी प्रकार के कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ मिलाकर दे सकते हैं। सिर्फ ध्यान रहे, इसे बॉर्डर मिश्रण या अल्कालाइन दवा के साथ मिलाकर छिड़काव ना करें। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 के अच्छे परिणामों के लिए छिड़काव सुबह 11 बजे के पहले या शाम 5 बजे के बाद करें। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 छिड़काव के समय जमीन हल्की सी गीली होना आवश्यक है या छिड़काव के बाद पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 का इस्तेमाल अलग अलग फसलों पर उनके निकलने के अवधि के अनुसार किया जाता है, जो चार्ट में दिखाया गया है। जिन फसलों में फल नहीं लगते, जैसे चाय, तंबाकू, शतूत, जूट, गुलाब, गेंदा, जैस्मिन, रजनीगंधा, ग्लाइडोरिया, ऑर्किड, बोगनबेली, लिली, इसी प्रकार के सभी फसलों में हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 को एक साथ मिलाकर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर के अनुपात में 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करते रहे। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक उत्पाद होने के कारण मनुष्य, पशु, पक्षी और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। स्प्रेमैक्स 85 फसलों पर आने वाले कीटकों को रोकने के लिए या उत्पादन बढ़ाने के लिए
किसान फसलों पर महंगे कीटनाशक, फफूंद नाशक, पानी में घुलनशील मुख्य यव सूक्ष्म खाद, उत्पादन बढ़ाने वाली दवा का छिड़काव करते हैं। किसान इतने महंगे छिड़काव करने के बाद भी उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि हर छिड़काव पानी के साथ ही किया जाता है। छिड़काव के बाद पत्तों पर पानी की बूंदें जल्दी से नहीं फैलती। पत्तों का ज्यादातर हिस्सा बिना छिड़काव का ही रह जाता है। परिणाम स्वरूप पत्तों पर एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता। बूंदे ना फैलने का मुख्य कारण है पानी का सरफेस टेंशन, यानी कि सतह का तनाव। ये सतह का तनाव क्या है? पत्तों के ऊपर के बूंदों को फैलने से जो भारी बल रोकता है उसे पानी का सतह का तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कहते हैं। किसान फसलों के ऊपर अलग अलग दबाव का छिड़काव करते हैं। वो छिड़काव एसिडिक यानी कि एनाआयनिक नेगेटिव या अल्कालाइन यानी कि केटाआयनिक पॉजिटिव होते हैं। ये छिड़काव फसलों के पत्तों पर किया जाता है। ज्यादातर फसल के पत्ते भी एसिडिक यानी कि एनाआयनिक नेगेटिव होते हैं। इस कारण ज्यादातर छिड़काव की गई दवा पत्तों से जमीन पर गिर जाती है। जैसे दो चुंबक के नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल सामने आते ही दूर हो जाते हैं, वैसे ही एसिडिक दवा एसिडिक पत्तों के ऊपर से दूर हो जाती है। हम पत्तों की प्रॉपर्टी तो नहीं बदल सकते, मगर जो दवा पानी में मिला के छिड़काव करते हैं उस घोल को बदल सकते हैं। उसके लिए उच्च तकनीक से स्प्रे मैक्स 85 ये नन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट का निर्माण किया गया है। स्प्रे मैक्स 85 की विशेषता, स्प्रेडर। किसान जो भी दवा छिड़काव करते हैं उसमें स्प्रे मैक्स 85 को मिलाकर छिड़काव करने से पानी का सरफेस टेंशन यानी कि सतह का तनाव कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप छिड़काव करने के बाद बूंदे आसानी से फैलकर पत्तों पर एक जैसा छिड़काव होता है। स्टिकर, छिड़काव की गई दवा पत्तों के ऊपर अच्छी तरह से फैलने के बाद पत्तों को चिपक जाती है, जो कि बरसात के पानी से नहीं धुलती। इस कारण छिड़काव की गई दवा में बचत होकर किसानों के पैसों में भी बचत होती है। पेनिट्रेंट, छिड़काव की गई दवा आसानी से पत्तों के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि पत्तों के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है वो पानी के साथ छिड़काव की दवा को जल्दी से अंदर नहीं आने देती। फलस्वरूप छिड़काव की गई दवा के अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। स्प्रे मैक्स 85 को मिलाकर पत्तों के ऊपर छिड़काव करने से पत्तों के क्यूटिकल लेयर को जल्द से जल्द छेद के छिड़काव की गई दवा ज्यादा से ज्यादा पत्तों के अंदर तक पहुंचने में मदद होती है। फलस्वरूप किसानों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट, जब दवा का छिड़काव फसलों पर किया जाता है तब द्रव्य पंप के नोजल से ज्यादातर धुएं के रूप में बाहर निकलने से कुछ द्रव्य हवा के साथ उड़ता है तो कुछ जमीन पर ही गिर जाता है। परिणाम स्वरूप पानी और दवा का प्रमाण ज्यादा लगता है। किसानों को छिड़काव के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं। स्प्रे मैक्स 85 को मिलाकर छिड़काव करने से नोजल से निकलने वाले द्रव्य का ज्यादातर धुआं नहीं बनता। इस कारण छिड़काव सही तरीके से होकर पानी और दवा के प्रमाण में बचत होती है। किसानों के पैसों में बचत होकर फसल पर अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। संगतता एजेंट, स्प्रेमैक्स 85 को सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंद नाशक, खरपतवार नाशक, बाजार में मिलने वाले सभी प्रकार के छिड़काव करने वाली दवा के साथ मिलाकर ही छिड़काव करें। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2-3-4, शोर शुगर प्रक्रिया 2-3-4 रेपिड के साथ स्प्रे मैक्स 85 मिलाकर ही छिड़काव करना आवश्यक है। सभी प्रकार के छिड़काव करते समय स्प्रे मैक्स 85 को 100 लीटर पानी में 60 से 70 ml मिलाएं। जमीन में ड्रेचिंग करने के लिए एक एकड़ खेती के लिए 500 ml स्प्रे मैक्स 85 का इस्तेमाल करें। जिन किसानों के पास ड्रिफ्ट इरिगेशन है वो इसे ड्रिफ्ट द्वारा दे सकते हैं। ड्रिफ्ट द्वारा दिए गए पानी यह मुख्य या सूक्ष्म अन्न तत्व को जल्दी से जल्दी पौधों के जड़ों तक पहुंचने के कार्य में मदद होती है। परिणाम स्वरूप किसानों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
शोर शुगर। गन्ना यह किसानों की महत्वपूर्ण फसल है। गन्ने की फसल 10 से 12 महीने जमीन में रहती है। इस कारण गन्ने को अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता लगती है। इसका जीवन काल और फसलों से अलग होता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर कंपनी के वैज्ञानिकों ने गन्ने की फसल के लिए शोर शुगर ये अनूठे उत्पाद का निर्माण किया है। शोर शुगर प्रक्रिया एक, जमीन को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति है। 250 ग्राम एक एकड़ जमीन के लिए इस्तेमाल करना है। इसे गन्ना लगाते समय या गन्ना लगाने के 30 दिन तक जमीन में दे सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका, इसे किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं। या 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी दे सकते हैं। इसे जमीन में देने के बाद पानी देना आवश्यक है। शोर शुगर प्रक्रिया दो, 300 ग्राम पाउडर है। इसे 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में इस अनुपात से इस्तेमाल करना है। गन्ना लगाने के 35 से 40 दिनों तक इसका छिड़काव करना है। शोर शुगर प्रक्रिया तीन, 400 ग्राम पाउडर है। इसे 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में इस अनुपात से इस्तेमाल करना है। गन्ना लगाने के 55 से 60 दिनों तक इसका छिड़काव करना है। शोर शुगर प्रक्रिया 4, 500 ग्राम पाउडर है। इसे 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में इस अनुपात से इस्तेमाल करना है। गन्ना लगाने के 75 से 80 दिनों तक इसका छिड़काव करना है। शोर शुगर प्रक्रिया 5, 250 ग्राम एक एकड़ जमीन के लिए गन्ना लगाने के 90 से 100 दिनों तक जमीन में देना है। इसे इस्तेमाल का तरीका शोर शुगर प्रक्रिया एक के जैसे ही है। शोर शुगर प्रक्रिया 1, 2, 3, 4, 5 इस्तेमाल के फायदे। इसके इस्तेमाल से ज्यादा अंकुरों की पैदावार होकर उनकी वृद्धि मजबूत और तेजी से होती है। पत्तों की साइज बढ़कर पत्ते हरे भरे होते हैं। फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होने में मदद मिलती है। गन्नों में गांठों की संख्या को बढ़ाकर गन्नों का आकार और गन्नों की लंबाई बढ़ती है। गन्नों में शुगर का प्रमाण बढ़ने में भी मदद मिलती है। गन्नों का सर्वांगीण और सशक्त विकास होकर गन्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। फलस्वरूप किसानों को फायदा ही फायदा मिलता है। शोर शुगर प्रक्रिया 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक उत्पाद होने के कारण मनुष्य, पशु, पक्षी और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। रैपिड, फसलों पर अलग अलग तरह की बीमारियां या कीटक आते हैं, जैसे फफूंद, बैक्टीरियल, वायरल, रस चूसक कीट और भी कई तरह की बीमारियां आती हैं। इसमें सबसे ज्यादा फसलों पर आने वाली बीमारी या कीटक है रस चूसक कीट। ये कीट पत्तों के ऊपर बैठकर पत्तों का रस चूसते हैं। इस कारण पत्ते सुकड़कर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। इन कीटकों को मकड़ी या थ्रिप्स कहते हैं। इनका प्रकोप सभी प्रकार की फसल पर दिखाई देता है। टमाटर, बैंगन, मिर्ची, आलू, भिंडी आदि सभी प्रकार की सब्जियां, गेंदा फूल, गुलाब आदि सभी प्रकार के फूल, अंगूर, अनार, आम आदि सभी प्रकार के फल, कपास, चाय, कॉफी, तंबाकू, पान आदि ज्यादा से ज्यादा फसलों पर आने वाली बीमारी। ऐसी ही बीमारियों के लिए उच्च तकनीक से रैपिड की निर्मिति की गई है। रैपिड इस्तेमाल के फायदे, 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml इस अनुपात से फसलों पर छिड़काव करना है। रैपिड ये कीट रोधक है, कीटकों को फसल पर आने से रोकता है। रैपिड ये संपर्क जन्य यानी कॉन्टैक्ट बेस होने के कारण रैपिड का छिड़काव फसलों के सभी पत्तों पर ऊपर नीचे से ठीक तरीके से करना जरूरी है। जब तक कीट इसके छिड़काव किए गए पत्तों पर नहीं आते तब तक उन पर कोई असर नहीं हो सकता। रैपिड का छिड़काव फसलों पर होने से
वो फसल कीटकों को खाने के लायक नहीं रहती। इस कारण फसल पर कीटकों का या बीमारियों का बुरा असर कम हो जाता है। रैपिड प्राकृतिक वनस्पति से बनने के कारण मनुष्य, पशु और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। रैपिड का छिड़काव सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिलाकर कर सकते हैं। रैपिड का छिड़काव हरित संजीवनी प्रक्रिया 2-3-4 के साथ मिलाकर कर सकते हैं।